सुनाओ तो ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए सात रुपए बासठ पैसे पर क्लोजिंग हुई थी और अभी येट दुकान बंद है और मंडे के दिन ये स्टोर ओपन होगा तो आप बाई करने के लिए आ जाइएगा या सील करने के लिए आ जाइएगा बट अभी की अगर हम बात करें तो छः दिन रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ छः दिन और सातवें दिन यानी कि इकतीस जुलाई वो दिन है जो कि यहाँ पर प्रॉमिस किया गया था मैनेजमेंट की तरफ से कि हम रिज़ल्ट आपके सामने रखेंगे दो हजार तक बट मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग शायद यहाँ पर सहमे हुए हैं बहुत सारे लोग तो इंटरेस्टिक हो गए हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना बस एक छुपे बैठे तो ऐसा सब कुछ चल रहा है बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना अब सीधी सी बात है यहाँ पर पैनिक तो हो गई अंदर से अंदर यहाँ पर जो है ना पैनिक हो गई कोई सुनने वाले नहीं है सिंपल सी बात है ऐसे में एक कोई भी हो निवेशक किसी के बड़ा पैसा लगाओ तो वो टूटे गई बट अभी uh, तक है यहाँ पर जो है ना 28 जून के बाद यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है जितना भी आया वो 28 जून तक आया उसके बाद एक भी यहाँ पर नोटिफिकेशन हमारे सामने देखने को नहीं मिल रहा इवन इतना भी नहीं देखने को मिल रहा है कि डेट आने वाली है या इस डेट को यानी कि तीस जुलाई को कर दें या इकतीस जुलाई को ही यहाँ पर आने वाली है तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि हम यहाँ पर मीटिंग रख रहे हैं तो वगैरह वगैरह हम अपने रिजल्ट जो है वो आपके सामने रखने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें मीटिंग होती हैं तो वो यहाँ पर ना अभी नोटिफिकेशन नहीं मिला है अब देखते हैं छः दिन बाकी है और इन छः दिनों में किस दिन यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए अभी भी हारी है मत सिक्सटी फोर्टी का यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा सब बात है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है फोर्टी परसेंट यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर जो है ना ये रिजल्ट लेके आएंगे कोर्स बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आप फोर्टी परसेंट कह रहे हैं या चार परसेंट का ही कोई अनुमान नहीं है कि ये रिजल्ट ला पाएंगे बट है फैक्ट है बट इतने जल्दी भी हार मान बैठ जाना ये एक ना ये काम नहीं है इतना भी यहाँ पर जो है ना एकदम काम मत करिएगा बहुत सारे लोग हैं सेल्स जीरो हो जाती तब तक तो उम्मीद लिए रहते हैं आपका सेल्स जीरो नहीं है एक बहुत बड़ी बात है भले उसमें से यहाँ पर जो है ना तीस परसेंट खराब हो पर सत्तर परसेंट अभी भी यहाँ पर जो ना है ना अनुमान है कि रेवेन्यू ठीक है ठीक है ना तो ये फोर्टी परसेंट अभी भी पर चांसेस हैं कि आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे हमारे सामने रिजल्ट आ जाएंगे पर चांस है कि नहीं आएंगे एंड स्टिल अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर जो है वो अभी नहीं आया मार्च के बाद अपडेट नहीं हुआ है बस यहां पर यही है कि इनके कानों में ना जितनी बार बोलो बस एक बार ये काम करेंगे उसके बाद उठकर काम नहीं करने का है ये एकदम जो है ना एकदम परेशान करने वाले लोग हो चुके हैं ये सो दैट यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या बदलने वाला है बट शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी स्टिल नहीं है क्या पता रिजल्ट के साथ आए अगर रिजल्ट आने होंगे अदरवाइज सब कुछ बिगड़े ये शेयर होल्डिंग पैटर्न लेके हम क्या उसको चबाएंगे बैट एंड काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं ना देखिए मैं आपको बता दूं ना कि जितनी भी ये मुहिम चल रही है ना इसका कोई भी एक ना तर्क नहीं निकलेगा बहुत बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बोल रहा हूँ नाइन्टी परसेंट चांसेस है कि इसका कोई भी तर्क नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा मैं आपको बताता दूँ देखो अगर ये कोई बैंक होता तो, तो बॉस यहां पर जो है इसको बचाने के लिए सीतारमन जी दौड़ी दौड़ी आ रही होती ठीक है ना इवन यहां पर गवर्नमेंट दौड़ी दौड़ी आ रही थी बिकॉज ऑफ यहां पर ना बैंक के स्टेक होल्डर का जो प्राइस है जो वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगी उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है यस बैंक के सिनेरियो में क्या हुआ वैल्यू जीरो हो गई ना इन्वेस्टर की स्टॉक में इतना डायल्यूशन हो गया कि वो चल ही नहीं पा रहा है ठीक है ना वो प्रीवियस साइज पर नहीं जा पाएगा वो चार सौ रुपये पर जाने के लायक नहीं है वो उसकी टांगें तोड़ दी गई ठीक है ना तो उन्हें शेयर होल्डर से मतलब नहीं है उनको बैंक बचानी है बैंक बचेगी तो डिपॉजिटर का पैसा बचेगा सब कुछ सही होगा और छवि खराब नहीं होगी तो बैंक को बचाना इंपॉर्टेंट होता है बैंक का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है एक कंपनी का जिसका यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय भी नहीं है और अगर इसके साथ कुछ हो भी जाएगा ना तो रत्ती रत्तीवर किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला मैं सीधी सी बात बोलता हूँ और ये आए दिन क्या मामला ऐसा हुआ नहीं है मनपसंद बेवरेजेस में हुआ बहुत सारी कंपनियाँ आएँ जो कि आई चली गई ठीक है ना लेकिन उनमें और आपके में जमीन आसमान का अंतर है उनके जाने में और इनके यहां पर रहने में ना बहुत अंतर है बिकॉज ऑफ इनके जो फाइनेंशियल है अभी तक उस पर कोई डेंट नहीं आया सवाल यहां पर नहीं खड़े हुए हैं सबसे बड़ी बात यह है ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसके ऊपर आ गया हो भले ही एन एफ एन एफ आर ए बोल दिया हो मैं उस दिन कवर किया एन एफ आर ए वगैरह वगैरह मैंने उस दिन यहाँ पर रोका उस वीडियो को वो इसी वजह से रोका कि एक जो मेन बात थी वो छूट गई कि अभी तक इनके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया ठीक है ना तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि ये है भी कि नहीं है भी इनके अंदर कितनी कमियां है क्या है वो अभी तक सामने नहीं आई स्टॉक प्राइसेस भले क्रैश हो गए हो जीरो हो रहे हो लेकिन फिर भी यहां पर जो है ना अभी तक यही समझ में आ रहा है कि अभी तक ना से भी कुछ बोलने वाला नहीं तो कंपनी जाएगी आएगी ये सब चलता रहता है इसमें यहाँ पर ना इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोई बहुत बड़ी कंपनी होती जिससे पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर ना कुछ दिक्कत आ जाती तब तो, तो ये दौड़े दौड़े पूरी गवर्नमेंट दौड़ी दौड़ी आती मंत्री तक यहाँ पर प्रधानमंत्री जी तक यहाँ पर टेंशन ले रहे होते तो वो चीज़ नहीं है अपने को ये बात है बट आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्विजिशन क्यों नहीं कर लेता कोई बहुत बड़ी बात है मैं आपको बताता तो हूँ इससे बड़ा मौका कोई नहीं ऐसे टाइम पर तो कंपनियाँ जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उनको इस तरफ देखना चाहिए मेरे ख्याल से पता लगाने चाहिए कंपनी के बारे में पूरी डिटेल निकालनी चाहिए भाई जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है एफिल एफिल की सेल्स हज़ार करोड़ के अराउंड होगी ठीक है और अभी ब्रैटकॉम ग्रुप के कितना है साढ़े सात हज़ार करोड़ के आसपास वैल्यूशन में कितना अंतर है एल बारह तेरह हज़ार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है बारह तेरह चौदह हज़ार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है एफिल इंडिया और ब्रैटकॉम ग्रुप कितने वाली है डेढ़ हज़ार करोड़ का भाई यहाँ से आराम से एफिल जो है ना पता करे बिजनेस के बारे में और यहाँ पर पता यहाँ पर समझ में आ जाए कि इनका इतना इतना, इतना वैल्यू है ठीक है जो प्रमोटर नहीं चला पा रहे नहीं चला पा रहे आपको बिजनेस तो मिल रहा है अगर आपके कुछ काम का है उसमें से कुछ रेवेन्यू निकल रहा है तो वो अपना कंपनी को बड़ा बनाओ ना एक्विजिशन करके सीधी सी बात ऐसे मौके पर ही तो काम किया जाता है अदरवाइज टेक मिंदरा, टेक टेकमिंद्रा थोड़ी होती ठीक है ना तो वो एक एक्विजिशन का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आ जाता है ये वाला जब कंपनी दिक्कत में तब बाय करो क्या प्रॉब्लम डेढ़ हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी मिल रही है और पता चला हजार करोड़ की या दो हज़ार करोड़ की सेल्स अच्छी है उसमें से दो सौ डेढ़ सौ करोड़ का प्रॉफिट अगर ठीक है ठीक है ना मैं बता रहा हूँ अभी तक फाइनेंशियल के ऊपर कोई सवाल नहीं उठे लेकिन मैं बता रहा हूँ जितना यहाँ पर जो है ना उतने में से भी अगर इतना ठीक निकलेगा तब भी वो डेढ़ हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाला वो आप जो खरीद रहे हो वो साढ़े सात दस हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाला बन जाएगा तो इतना वैल्यू क्रिएट कर दे तो आपकी तो बेनिफिट है ही बेनिफिट है बट इसमें जो नुकसान होगा वो शेयर होल्डर्स का है ब्रैडकुम ग्रुप के ये बात आप मान लीजिए अगर कोई एक्विजिशन करने आता है और उसने अपने आप को मिला दिया मर्ज कर दिया ना तो बॉस आपके हाथ से जो एक एक बेनिफिट था वो छूट जाएगा सब कुछ चला जाएगा आपके हाथ से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं उतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसका ये इसका यहाँ रहने में ठीक है ये एक्विजिशन की बात आई जबकि ये मजाकिया बात है रिजल्ट आ नहीं रहे हैं एक्विजिशन तो बहुत दूर की बात है बटा कोई कंपनी आए टेक ओवर करने के लिए तो वो एक अलग बात होती है तो एन में तो है नहीं विराट को मुरु की कोई भैया टेक ओवर करने के लिए आ रही है कि बिक रही है कंपनी तो ऐसा तो है डेट भी नहीं है इनके ऊपर प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है प्रॉब्लम ये है कि कुछ वक्त पर नहीं हो रहा है सबसे बड़ी दिक्कत ये है एंड होप है कि भैया यहाँ पर रिजल्ट आ जाए लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए बहुत ज़्यादा भागी दौड़िए नहीं कुछ नहीं होने वाला ये कुछ नहीं करने वाले आप दौड़ते रह जाएंगे आप कहते रह जाएंगे बट कुछ नहीं होगा ठीक है वो फाइनल ऑर्डर जो आना होगा इसके ऊपर वो आएगा और वो वक्त लगाएंगे तो वक्त देना पड़ेगा ये एक साफ सीधी सी बात है एन एफ आर ए के ऑर्डर के बाद तीन महीने के अंदर यहाँ पर जो है ना नया ऑर्डर आ जाता है यानी फाइनल रिपोर्ट आ जाती है आज आने चाहिए थी बट क्या चीज़ें फंस रही है क्या कोर्ट में जो यहाँ पर जो है मामला चल रहे हैं इनके क्या उसकी वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है और सीधी सी बात है वो चीज़ें निकल कर नहीं आ रही कि सेबी को प्रॉब्लम क्या है फाइनल ऑर्डर से यहाँ पर आखिरकार बचा क्या है यहाँ पर ठीक है ना क्या वो फ़ाइनल ऑर्डर आ चुका है क्या वो एन 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 एफ आर ए का ऑर्डर जो है वो फाइनल ऑर्डर था वो नीचे की हेडलाइन लिखी हुई है वो तो नहीं कहता कि ये फाइनल ऑर्डर फाइनल ऑर्डर यानी वर्डिक्ट आना है अभी तो वो पता नहीं कितना टाइम लेंगे एक फालतू चीज़ के लिए यहाँ पर ना लोग भी परेशान हो रहे खुद भी परेशान हो रहे इमेज भी ख़राब हो रही है सब कुछ खराब ही ख़राब हो रहा है या मैनेजमेंट अपनी मनमानी कर रहा है वो अपना तुला हुआ है वो यहाँ पर उनको करना है एस के आर को एंटर वो एस के आर यहाँ पर एंटर करने के लिए घूम रहा है पता नहीं क्या क्या यहाँ पर चल रहा है तो ये सारी चीज़ें और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर यहाँ पर जो है ना पागल हुआ जा रहा है और कुछ हाथ में नहीं लग रहा है तो मैं आपसे सीधे कहता हूँ कि दौड़ भाग बंद करिए चुपचाप शांति से देखिए अपने आप को फ़्रेस रखिए बस और कुछ नहीं है जो होगा वो एक टाइम से होगा और जितना भी आप चिल्ला दीजिए आप छोटी बात है ये बहुत छोटी बात है लग रही होगी कड़वी बट बट ये एक फैक्ट है कि सुनने वाला कोई नहीं है बस और देखिए मीडिया चैनल ना वो अपने उसके लिए चलते हैं अपने एक टीआरपी जो है उसके लिए चलते हैं ठीक है अभी ब्राइट को मुरूप से उनको मतलब होता वो झकमार के यहाँ पर कवर कर रहे होते लाख बार कवर कर रहे जब बहुत सारी क्वरे गई ना तब जाकर वो एक छोटा सा क्लिप आया निकल कर ऐसा भी नहीं है कि एडिटर ने यहाँ पर चैनल के एडिटर ने ब्रैट कॉम्रुक को, को कवर कर दिया तो आप समझ रहे हैं ना कि, कि किसी को कोई लेना देना नहीं है इस मामले से किसी का पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है इवन मैं आपको बताऊँ तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई भी कुछ करने वाला नहीं है किसी का भी रिटेल इन्वेस्टर से कोई भी ध्यान नहीं है कोई जुड़ाव नहीं है ये सब कहानियाँ है सिर्फ और सिर्फ अपनी टी और ये सब व्यूज़ बढ़ाने के लिए अदरवाइज किसी से कोई मतलब नहीं है रिटेल इन्वेस्टर एक जोकर के समान है जो हंसेगा खिलखिलाएगा और चला जाएगा तो समझ गए ना तो ये सारी चीज़ें शांति से बैठो अब इकतीस जुलाई आने वाली है देखते हैं छह दिन के अंदर अंदर कुछ मैजिक हो जाए बस और कुछ नहीं है देखते हैं इनके कमेंट क्या निकल कर आता है या इसके ऊपर क्या टिप्पणी आती है कुछ तो ये लेकर आएंगे आना पड़ेगा देखकर और अभी तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का एक्सचेंजेस की तरफ से नोटिस जाने वाला होगा तो ये ये एक नया नोटिस का पंगा होने वाला है तो ये एक चीज है पता नहीं कैसे सुधरेगा छह दिन है देखिए क्या रहता है सोमित काफी कुछ आपको समझ में आया होगा भाग दौड़ बंद करिए आराम से चिल मारिए जो होगा देखा जाएगा सीधी सी बात है क्योंकि इसमें ना कोई किसी को कोई इंटरेस्ट है नहीं खुद का दिमाग खराब करना है मैं भी शांत बैठ गया हूँ तो, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों